किसके लिए? एक राज्यसभा की सीट के लिए मुकाबला। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम की नवासीवीं जयंती आयोजित बसपा जिला इकाई रीवा के तत्वावधान में किया गया आयोजन। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बसपा जिला इकाई रीवा के तत्वावधान में बाम से BS4 बसपा संस्थापक मान्यवर काशीराम की नवासीवीं जयंती का जोन स्तरीय कार्यक्रम बरा बगीचा इंदिरा नगर रीवा में आयोजित किया गया, जिसमे जिला रीवा सतना सीधी सिगरौली उमरिया शहडोल अनूपपुर बालाघाट कटनी जबलपुर डिंडौरी सिवनी मंडला के सभी जिला प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। इसके अलावा जिला कमेटी, जिले के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, विधायक और सांसदों के साथ ही ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य एवं हजारों की तादाद में कार्यकर्ता एवं मुख्य पदाधिकारी शामिल हुए। अधिक जानकारी के लिए देखिए रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। उनके 27% आरक्षण को कौन खा रहा है? उनके इतने लाखों बैकलॉग पदों को कौन नहीं भर रहा है? इस बात को भी तो आपको समझना चाहिए साथियों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वे पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बना सकते हैं पर आपकी आवाज उठाने के लिए नहीं, उनके गुलामी करने के लिए मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आपके बीच में अभी छंगेलाल कौल जी ने भी अपनी बात रखी थी कि कांग्रेस बीजेपी वाले उनको आयोग का चेयरमैन भी बना रहे थे, उनकी पत्नी को अध्यक्ष भी बना रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं उस समाज को जगाने का काम किसके लिए? एक राज्यसभा की सीट के लिए और मुकाबला करते हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती से, जिन्होंने समाज के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। साथियों, मुकाबला करते हैं मानवत साहब कांशीराम जी थे, जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए कुर्बान कर दिया। साथियों, माननीय बहन जी काशीराम साहब की बदौलत बाबा साहब को भारत रत्न मिला, वो पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण मिला। आज मध्य प्रदेश में वही 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग भाइयों को नहीं मिल रहा है, जबकि मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का बना हुआ है। हमने दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार तो देखे, चलो हम मान लेते हैं कि हमारे इन दोनों समाजों का मुख्यमंत्री इस प्रदेश में नहीं है, और हमारे महापुरुष हमको बताते हैं कि जिस कौम की शासन सत्ता होती है उस कौम पर कभी अन्याय प्रचार नहीं होते हैं, पर पिछड़े वर्ग का तो भाई मुख्यमंत्री है तो फिर हमारे लिए सीता और बहुत साधुवाद, लेकिन कहना जरूर है, क्या कहना है? मेरी बहन आपके साथ कभी सुख, मेरी बहन आपके साथ कभी सुख, या दुश्मन की भाई, मेरे पहला कैसा करिश्मा, मेरे पहला कैसा करिश्मा, या मनो की नींद हरा, तो चलना चोक जगाना, तो चलना चोक जगाना, आया है अरे आया है आदिवासी गाना। अरे मेरा रहबर है कांसी सिया, अरे नीला झंडा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, दिल्ली में बसपा की सरकार।